हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ जन्माष्टमी स्पेशल जो है लड्डू गोपाल का स्नान शेयर करने जा रही हूँ कि जन्माष्टमी पर क्या स्पेशल स्नान होते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो थाल में थोड़ा सा कुमकुम चंदन छिड़क दें। तो ये थाल कल से चली आ रही है पूजा में, तो उसी को लगा रहे हैं। कैसे करते हैं, क्या विशेष होता है, वो बता रही हूँ। सो देखिए, आज के दिन हम विशेष उपटन करते हैं। इसमें ये अष्टगंध है, हल्दी है और बेसन है, और इसको हम हल्का सा पकेट उठाइए, हाँ, दही से जो है वो मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम इसी से इनका स्नान कराएंगे। तो आप जब भी स्नान कराएं, एक धूप दीपक ज़रूर जला लें। इसलिए कि देखिए, ये स्नान को कभी आप ऐसा स्नान मान के ना चलें कि मानव स्नान जैसे होता है ना, ये भी पूजा की एक विधि है, पूजा की एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया मानकर ही स्नान करें, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इस तरीके से सुपटन को पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से, और फिर जो है हम स्नान कराएंगे, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इनका स्नान कराया, ठीक ना। एक सेकंड, मैं इसका पेस्ट बना लूँ अच्छे से, ठीक है, ये बन जाता है। और आप लोगों के जन्माष्टमी कैसे गई कॉमेंट करके बताइएगा। मेरी तो अच्छी जा रही है, सारी तैयारियां चल रही हैं। थोड़ा सा बर्डन तो बढ़ा हुआ है, इसमें डाल दें क्योंकि बेबी वो पंचामृत, क्योंकि बेबी साथ में, तो थोड़ा बर्डन है, ये तो सच है। लेकिन हाँ, ये भी है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ सब कुछ मैनेज करने की, क्योंकि इस समय जो बेबी की एज है वो 7.5 महीने के हो गए हैं, और थोड़ा सा चंचल हो गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा हो जाता है। देखिए, जब भी स्नान कराएं, इस तरीके से तुलसी ज़रूर रख लें जैसे मैंने रखी है। और सबसे पहले हम चरणों से शुरू करते हैं, तो आप चरणों पर इस तरीके से, चूँकि हम राधा कृष्ण जी का स्नान करवा चुके हैं, गणेश जी का भी स्नान हो चुका है, और इस तरीके से चरणों पर लगाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा, ये पूजा की ही क्रिया आप मान के चलिए, इसको ऐसे मत लीजिए कि नहीं ये किसी मानव की क्रिया हो रही है तो बस हमें गंदगी साफ करनी, नहीं नहीं, ये भी पूजा का एक विशेष विधान है, विशेष क्रिया है। और उसके बाद हम सर पर इस तरीके से ओम भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप कर लें। आपको जो ठीक लगे, आपको जैसा भी आपको उचित लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए सुविधा योग्य है, ये आप इससे आसानी से कर सकते हैं, इसमें और निकाल लीजिए। और इस तरीके से उपटन जो है हम पूरे में लगा देंगे, जैसे हम कोई विशेष पर्व होता है ना, खुद उपटन से नहाते हैं और अच्छे अच्छे से मतलब रहता है, तो हाँ बस ऐसे उपटन से। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, क्या हम अपने भगवान जी को साबुन से नहा सकते नहीं, ये साबुन वगैरह जो है वो शुद्ध क्रिया में नहीं आता है, और पूजा की क्रिया जो है वो शुद्ध क्रिया होती है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल के स्नान में कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अंगूठे में शुक्र का वास होता है, इसलिए हम जो है वो अंगूठे का स्नान नहीं करते शुक्र की वजह से, ध्यान रखिएगा, पुनः बोल दे रही हूँ, शुक्र की वजह से। एक बार मैंने शुक्र बोला था, किसी ने गलत सुन लिया था तो कुछ और बोला, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, शुक्र की वजह से, ध्यान रखिएगा, शुक्र का वास होता है, इसलिए अंगूठे का प्रयोग लड्डू गोपाल के स्नान में नहीं करते हैं। सो इस तरीके से बढ़िया से आप इन्हें उपटन लगाइए, जैसे आप खुद को लगाते हैं, मलमल के नहलाते हैं। और उपटन जो है सबसे शुद्ध माना जाता है, कहते हैं ये रंग निखारता है। कोई आया, आप देख लें, बेल बज रही है, आप देख लीजिए मैं कर रही हूँ डॉक्टर, और अच्छे से करें बढ़िया से, क्योंकि जन्माष्टमी तो देखिए अगर भाव हैं तो हर साल ही है, और होता क्या है ना, एक विशेष पर्व होता है जब हमारे भाव थोड़े से ज़्यादा परिवर्तित हो जाते हैं, सो बस हृदय का और माया देवी का खेल है, माया परिवर्तित होती रहती है, हृदय परिवर्तित होता रहता है, तो बस वही है और कुछ नहीं। तो बस इस तरीके से आप जो है अच्छे से उपटन लगा के बढ़िया से ऐसे, हाँ ऐसे, ठीक ना। और उपटन से बढ़िया इनका स्नान करवाइए, आपको भी अच्छा लगेगा, और आप देखिए मन को बड़ी संतुष्टि मिलेगी आपको कि अरे मैंने इस तरीके से भी पूजा पाठ किया, आपको खुद में बहुत अच्छा लगेगा। सो बस इस तरीके से जो है वो आप उपटन लगाएं, और भगवान जी का नाम का जो भी जप आपको करना हो उचित लगे वो आप करें, और फिर पंचामृत से इस तरीके से अभिषेक करवा दें, जो भी भजन वगैरह आपको आता हो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और बस उसके बाद अब सादा है, अरे नहीं आज जल चढ़ाए, चलिए ठीक है, वो होता रहता है, तो इस समय जो है वो जल चढ़ाए, जल मैं बस स्नान करा दूँ, चढ़ाए, हाँ
ऊपर से, बस इस तरीके से बढ़िया से आप इनको स्नान करा लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे कि हाँ हम ऐसे सुविधाजनक, जो आपको सुविधाजनक लगे उस तरीके से, और पूरा ऑप्टन अच्छे से निकाल के, और आप चाहें तो इसके बाद इत्र की मालिश भी कर सकते हैं और इत्र से इन्हें नहला सकते हैं। तो मैं अभी इन्हें बस ऐसे ही बैठा देती हूँ, अभी मुझे और इन्हें जल से स्नान कराना होगा, जल गंगा जल दोनों से इनका स्नान कराएं। तो दोस्तों इस तरीके से जन्माष्टमी का स्नान पूरा होता है, और आप इसके बाद इत्र वगैरह लगा के और श्रृंगार करके मंदिर में बैठा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनको जन्म के प्रोसेस में ले जा सकते हैं। सो मैं इनके जन्म के लिए इनको दोपहर में 12 बजे के बाद ले जाऊंगी, और जैसे भी आप जन्म, जैसे इस साल हम थोड़ा सा डिफरेंट जन्म करवा रहे हैं, अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि हो सकता वीडियो ये पहले आए बाद में, तो आप उस वीडियो में देखिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।